ओलंपियाड मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग आज हम लोग करेंगे चैप्टर वन नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई है, दैट इज़ 2^(x-3)(2x-8)=36 और यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 2^(x-3)(2x-2)^-3)(2x-3)^-8=36। अब क्या करेंगे बच्चों, 2^(x)(2^-3) है ना, तो इसकी पावर को पॉजिटिव में लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, 1/(2^3) कर देंगे, (3^(2x)/(1/(3^x)=36। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2^(x)/(3^2x)। बच्चों यहाँ पर 3^(2x) है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 3^(2x) है ना, तो दिस कैन बी रिटन एज 3^(x)/(3^x)। देखिए अगर मैं 3^(x)/(3^x) को सॉल्व करती हूँ तो बेस सेम है, तो पावर विल बी एडेड, पावर ऐड होके क्या बन जाएगा 3^(2x)। तो मैं हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं 3^(2x) को 3^(x)/(3^x) में। नाउ दिस इज इक्वल टू 36, 2^3 यानी कि 8, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर चला जाएगा 3^(x) यानी कि 3 को आपको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो दिस विल बिकम्स 6561। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2^(3)/(3)^-36)/(8)/6561। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2^3 = 6, 6^3 = 18, 18 की पावर x आ जाएगा बच्चों। ये इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 18^5 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरिजन करके आप देख सकती हो कि अगर बेस सेम है तो पावर विल बी सेम, तो x इक्वल टू 5 जो है ऑप्शन बी विल बी द आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, सेकंड क्वेश्चन में n इज इक्वल टू √5 + 2 सारे का रूट प्लस √5 - 2 अपॉन √5 + 1 - 3 - 2 √2 और सबके ऊपर रूट लगा हुआ है। अब अपने क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग इसका करेंगे रैशनलाइजेशन। कैसे करेंगे, देखिए √5 + √5 - 2 √5 - 2 / √5 + 1 यहाँ पर नीचे प्लस है बच्चों, तो ऊपर अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ, √5 - 1 - √3 - 2√2। देखो एक बार इस चीज़ को भूल जाओ, केवल हम लोग इतने पोर्शन को सॉल्व करते हैं। देखिए आगे अपन क्या करेंगे, इज इक्वल टू √5 + 2 इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों इसके साथ, ठीक है, √5 - 1 + फिर इसको इसके साथ करेंगे √5 - 2 √5 - 1 / में क्या आएगा √5 + 1 √5 - 1। इतने पोर्शन को भी मैं छोड़ रही हूँ, उसको बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अंदर क्या आएगा, √5 * √5 क्या होता है 5, √5 - 1 क्या हो जाएगा √5, √5 + √5 - 2, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कुछ नहीं है इसमें। फिर उसके बाद एक ही बार रूट लगा के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 5 - √5 - 2 √5 + 2 अपोन में बच्चों आपके पास क्या आएगा यहाँ पर √5 - 1। क्लियर है, अब देखो आगे ऊपर क्या बचा मेरे पास 3 + √5, ठीक है, +√5 + 2 7 - 3 √5 /
यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट फोर, और रूट फोर कैन बी रिटन एज टू, तो नीचे आ जाएगा मेरे पास टू। अब ये एक स्टेप आपको ध्यान में रखना है बच्चों, इसको ऊपर टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी इसको टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पर भी, यहाँ पर क्योंकि मैं मुझे इसको कम्प्लीट स्क्वायर बनाना चाहती हूँ, ठीक है, तो ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई और नीचे भी टू से ही मल्टीप्लाई, और पूरे पोर्शन को डिवाइड करेंगे टू के साथ। ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, सिक्स प्लस टू रूट फाइव प्लस 14 माइनस सिक्स रूट फाइव, और नीचे बच्चों यहाँ पर रूट टू बच रहा है तो मैं रूट टू को इधर ले आती हूँ, ये क्या बन जाएगा मेरे पास टू रूट टू, ठीक है। अच्छा ये मैंने इकट्ठा लिख दिया क्या, ये गलत लिख दिया, इसको ऐसे लिखेंगे और इसको अलग से लिखेंगे, तो ये रूट इधर आ जाएगा, ये रूट इधर ही लगेगा। आप देखो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वन प्लस फाइव प्लस टू रूट फाइव प्लस 14 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 14 को लिखा जा सकता है नाइन प्लस फाइव माइनस सिक्स रूट फाइव डिवाइडेड बाय टू रूट टू। नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज वन प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर, यही बन रहा है ना, वन प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर का रूट, और ये क्या बन रहा है थ्री प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर का रूट, वही बन रहा है ना। देखिए आप इसको खोल के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी आ रहा है, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, ये रूट के साथ टू कट गया, ये रूट के साथ टू कट गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना मेरे पास वन प्लस रूट फाइव प्लस थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन टू रूट टू, ये और ये कैंसिल, तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास आ गया फोर अपॉन टू रूट टू, टू के साथ टू कैंसिल और टू बाय रूट टू, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास रूट टू, क्योंकि टू को लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू। तो ये तो बच्चों केवल इतने पोर्शन का आंसर आया है, अभी इसको सॉल्व करना हमारे पास बाकी है, इतने पोर्शन को सॉल्व करना बाकी है। देखिए इतने पोर्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर वाले को इरेज़ कर देते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा इरेज़ कर रही हूँ, इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर इसे लिख सकते हैं टू प्लस वन माइनस टू रूट टू, सबके ऊपर रूट, इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं। नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज, दिस कैन बी रिटर्न एज रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर, प्लस वन नहीं माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है, यही बन रहा है ना। देखो इसको खोलो तो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही सेम चीज़ बन रही है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर बच्चों यहाँ पर भी रूट है, तो मैं यहाँ पर भी रूट असेंबल कर देती हूँ, ये कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा मेरे पास रूट टू माइनस वन, केवल इतना बचा, और बाहर क्या है, बाहर मेरे पास माइनस है। तो इतने पोर्शन का आंसर मेरे पास क्या आया है, रूट टू माइनस वन, और बाहर क्या है माइनस वन है। और यहाँ तक जब मैंने सॉल्व किया था बच्चों, तो यहाँ पर मेरे पास रूट टू आया था, और इधर मेरे पास सॉल्व करने पर क्या आया है रूट टू माइनस वन। अब देखो रूट टू माइनस रूट टू प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा कैंसल, और आंसर क्या आएगा वन। क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन आंसर देखिए कितना छोटा आया है, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ना क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चंस जो है ना स्टूडेंट्स काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस हैं, इनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें एक्सप्रेस करना है 1.27 बार को P बाई क्यू की फॉर्म में। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि ये x के इक्वल है। अब बार का मतलब क्या है कि आप 27 कितनी बार भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर बच्चों टू नंबर्स के ऊपर बार था, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा टू नंबर्स के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री के ऊपर है तो 1000 के साथ, एक के ऊपर है तो 10 के साथ, नेक्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा 100x आ जाएगा। अब इस चीज़ को, इसे अगर मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूं, जैसे कि यहाँ पर किया है उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई, तो दो पॉइंट आगे खिसक जाएगा, ये वाला डेसिमल दो पॉइंट आगे खिसक जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मेरे पास आ गया 100x इक्वल टू 127.2727 एंड सो ऑन, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर वन एंड इट विल बी योर इक्वेशन नंबर टू। नाउ सेकेंड स्टेप विल बी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100 में से x गया तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 99x इक्वल टू यहाँ पर 127.2727 इस तरीके से, और यहाँ पर क्या है 1.2727 एंड
सो ऊन। अब देखो बच्चों, इसके बाद तो सारा इधर भी 27 है, तो ये तो हो जाएगा, इधर वाले सारे जीरो ही आ जाएगा, और 127 में से वन गया तो क्या आ जाएगा, 126। कैन बी रिटन एज 126 ओनली, 99x, और एक्स विल बी 126 अपॉन 99, और इसको आप काट लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 14 अपॉन 11, यानी कि ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, एक्स इज इक्वल टू, एक्स है बच्चों आपके पास यहाँ पर 5 - 2√6, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास x तो है बच्चों, और हमारे पास चाहिए क्या, 1/x चाहिए। एक चीज़ डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, अगर x आपके पास इस तरीके से दिया गया हो 5 - 2√6, तो अगर इसका ओपोजिट, इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो वो बच्चों हमेशा क्या आएगा, यहाँ माइनस की जगह प्लस लिख देंगे, ठीक है। फिर भी मैं इसको करने का तरीका बता देती हूँ कि कैसे किया जाता है। आपके पास x ये था, अब मुझे निकालना क्या है, 1/x निकालना है, तो 1/ क्या आ जाएगा, 5 - 2√6। अब इसका क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, नीचे प्लस माइनस है तो ऊपर और नीचे प्लस के साइन के साथ क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ऊपर क्या आएगा, 5 + 2√6, नीचे क्या बन गया आपने के पास, a - b × a + b, a - b × a + b, दैट इज़ a² - b² ये क्या आ जाएगा, 5 + 2√6 अपॉन क्या आएगा, 25 - 2 × 2 = 4, और ये देखो इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2 × 2 = 4, और ये क्या आ जाएगा, 6 क्या आ जाएगा, 24, और बच्चों मेरे पास क्या बना, नीचे तो 1 ही आ रहा है, यही तो बना। और ये चीज़ अब आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि पेपर में आपके पास बच्चों इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक एक चीज़ को वहाँ पर सॉल्व करने बैठेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे एक्स स्क्वायर और 1/x² की वैल्यू डालनी है। एक्स स्क्वायर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर इस वाले का पूरे का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab - 2a × b, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 = 24, एंड इट विल बी योर 20√6, दैट मीन्स 49 - 20√6, तो ये बचा आप बच्चा आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर। अब आपको 1/x² निकालने नहीं बैठ रहा है, क्योंकि पहले ही स्टेप में मैंने आपको एक चीज़ बता दी है जो आपकी बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है। अब एक्स स्क्वायर इतना है, 49 - 20√x, तो 1/x² कितना होगा, 49 + 20√x, समझ में आ गई मेरी बात। अब आपको क्या करना है, हमें प्लस करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 98, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में भी बच्चों यहाँ पर क्या है, आपके पास केवल रैशनलाइजेशन ही करना है। मैं बता देती हूँ आपको रैशनलाइजेशन कैसे करना है। जैसे कि अगर पहले वाला स्टेप उठाते हैं तो क्या आएगा आपके पास, 7√3 / √10/√3, इसको रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, √10 - √3 √10 - √3, बाकी के भी आपको इसी तरीके से करने हैं, पहले वाला मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 7√30, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बच्चों √3 × √3 = 3 × 7 = 21। अब देखो बच्चों ये a + b × a - b बन रहा है, यानी कि a² - b² आ रहा है, ये क्या आ जाएगा, 7√30 - 21 / 100 - 3, ठीक है, सॉरी 10, गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, 7√30 - 21 / में क्या आ रहा है बच्चों, 7, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, √30 अलग अलग लिखेंगे तो 7 ये इधर से भी कैंसिल, और 3 - 3, पहले वाले पोर्शन को जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास ये आ रहा है। जब आप सेकंड वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपके पास ये आएगा, ध्यान रखना, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करके दे रही हूँ। और थर्ड वाले पोर्शन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा, ठीक है, और इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जब आप इसकी काटापट्टी करेंगे बच्चों तो आंसर आपके पास जो है ना वो 1 आ जाएगा, ऑप्शन 1 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, इसको करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ दिस, इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर अपने को निकालना है,
ठीक है जी। अब देखिए इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर किस तरीके से निकाला जाता है। देखो सबसे पहले देखो एक सिंपल सा मेथड ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को ना जितना हो सके ना हमें शॉर्टकट मेथड के साथ करना पड़ता है, ताकि आपका एग्ज़ाम में जो पेपर है ना वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। देखो कैसे करना है, देख रहा है यहाँ पर बच्चों बाहर क्या है, फिफ्थ रूट है ना ये वाला। अब अंदर क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, पाँच में से दो घटाया, पाँच में से दो गए तो कितना आया, तीन। फाइव में से थ्री गए, टू। फाइव में से फोर गए, वन। ठीक है, और इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर ये आ जाएगा। ये चीज़ आपको पेपर में 100% ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आप इसको एक दूसरे वे से, लंबे वाले वे से करने बैठे तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा आपका, ये ध्यान में रखिएगा बच्चों। ना ही ना क्वेश्चन नंबर 17, रैशनल नंबर बताना है आपको कि -19/2 जो है वो कौन कौन से रैशनल नंबर के बीच में करता है। तो बच्चों इसको तो आप सीधा कर लीजिएगा, कुछ ज़्यादा वहाँ पे फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 19 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आई थिंक -9.5 आएगा, और -9.5 देखो ऑप्शन डी भी आ रहा है। डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन पेपर में करना है। एन इरेशनल नंबर बिटवीन, देखो इरेशनल नंबर जो इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है जी, तो वो कौन सा होगा इरेशनल नंबर दोनों की मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट, ये वाला फार्मूला आपको 100% ध्यान में रखना है। ए और बी के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो उसका क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लिकेशन विद स्क्वायर रूट कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन से यहाँ पर सर्ड्स, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन से सर्ड हैं, ये है। अब देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या है आपके पास, 3√2, 6√3, 9√4। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, आपको LCM निकालना है 3, 6 और 9 का। जब आप LCM निकालेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले आप उठाइए 3√2 को। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2^1/3। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 18 आ जाए, 6 के साथ नीचे करेंगे तो बच्चों ऊपर भी करना पड़ेगा। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2^6/1/18। पहला स्टेप समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप 6√3, दिस कैन बी रिटन एज 3^1/6 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा, 3^1/18। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में कौन सा है आपके पास, 9√4 कैन बी रिटन एज 4^1/9 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर आपके पास 18 आ जाए, 2 के साथ, 2 के साथ नीचे करेंगे तो 2 के साथ ऊपर भी करना पड़ेगा। अब 4^ लिख देंगे 2 और नीचे वाला 1 बाई 18 एज इट इज़ रखेंगे। अब देखो सबकी जो पावर है मैंने सेम कर दी है, अब 2^6, अब देखो बच्चों 2^6 को क्या लिख सकते हैं, 64/18 दिस कैन बी रिटन एज 27/18 नाउ दिस कैन बी रिटन एज 4^4 = 16/18 ठीक है जी। अब देख लीजिए सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है आपके पास 64 वाला मेरे पास सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन सा बढ़ रहा है, 27 वाला, उससे छोटा 16 वाला, ठीक है जी। तो अब आप देख लीजिए कि ये कौन सा है, ये है आपका, इसको लिखना था असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में सबसे छोटा, ये आ रहा है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है जी। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना आपको, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों आपको बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। अब देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन जो हैं, √17 - √12 ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, तो यहाँ पर तो बाय डियर स्टूडेंट्स आपको इनके रूट्स निकालने पड़ेंगे। √17 क्या होता है, 3.3 होता है, √12 क्या होता है, 2.4 होता है, √11 क्या होता है, ये √17 आई थिंक मैंने गलत लिख दिया बच्चों, √17 जो होता है ये होता है आपके पास 4.1 और √12 होता है आपके पास 3.5, √11 होता है आपके पास 3.3 और √6 होता है आपके पास 2.4। आप देख लीजिए इसका अपन करेंगे तो ये आ रहा है 0.9,
और इसको सोल्व करेंगे तो आ रहा है आपके पास 0.6। तो बड़ा कौन सा है भाई इनमें से? तो बड़ा जो है वो आपके पास ऑप्शन बी बड़ा है, ठीक है, ऑप्शन बी रूट 11 माइनस रूट 6 जो है वो बड़ा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत इजी है इनके रूट्स निकालना, बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये आप लोगों ने 8th क्लास में किए हैं, अगर आपको ये भूल गए हैं कि रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, तो 8th क्लास में एक चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, आप उसको ज़रूर एक बार से रिकॉल कर लीजिएगा। होप कि आपको चैप्टर आता ही होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।